इसका जो मेमोरी है सिंपल इंक्रिप्शन ये होती है कि हम ना अपने डाटा को क्या कर देते हैं, इंकोड कर देते हैं। जब भी कोई चीज़ हम लिखते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि वो एक कोड हो गया, डाटा में कन्वर्ट हो जाती है, या फिर जो आगे इसको चीज़ जब कन्वर्ट होती है ना, तो जब हम इसको रीड करते हैं तो ये चीज़ आ जाती है सिफर टेक्स्ट के अंदर। जैसा कि जब आप लोगों को बता दो सिंपल इंक्रिप्शन कर दी है ना, ये एक ऐसा प्रोसेस है इनकोडिंग का प्रोसेस है, ठीक है। इनकोडिंग अब ये होता है, अब ये करता क्या है, इनकोडिंग को बेटा इज कन्वर्जन, इनकोडिंग को ये कन्वर्ट कर देता बेटा डाटा के अंदर। याद है, क्लियर है कि सिंपल इंक्रिप्शन क्या करती है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसको हम इनकोडिंग कहते हैं। इनकोडिंग जब कन्वर्ट होती है डाटा के अंदर, तो जब डाटा के अंदर ये कन्वर्ट होती है तो हम इसको रीड करते हैं, रीड करते हैं कि नहीं, जब हम इसको रीड करते हैं ना, तो इसकी रीड की फॉर्म को बेटा हम कहते हैं सिफर टेक्स्ट। इस चीज को बोलते हैं ये सिंपल इंक्रिप्शन है कंप्लीट। ये इट इज अ प्रोसेस ऑफ इनकोडिंग एंड इनकोडिंग इज कन्वर्जन टू डाटा, ठीक है, रीड फॉर्म ऑफ सिफर टेक्स्ट। जब आप इस डाटा को रीड कर लेते हैं तो वो हमें एक सिफर टेक्स्ट की फॉर्म में नजर आता है। जैसे आप लोगों को कोई मैसेज आता है तो वो सिफर टेक्स्ट की फॉर्म में होता है, जब चैट लिखते हो तो वहां पे लिखा होता है ना सिफर टेक्स्ट, तो ये वो चीज है। क्लियर हुई है बात कि नहीं? इसके बाद हम बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ सिंपल इंक्रिप्शन। इसके अंदर बेटा जो की पहले इंपॉर्टेंस है ना, उसका नाम है जैसे कि आप लोग के बैंक के अकाउंट में कुछ पैसे हैं, ठीक है, कुछ मतलब करते हैं कि जो है वो अगर उन्होंने किसी पर्सन को ढूंढना हो या किसी को सर्च करना हो तो वो इजीली उस बंदे को सर्च कर सकते हैं। अच्छे से अच्छे हैकर उनके पास है, लेकिन हैकर से प्रोटेक्शन कैसे होती है? आप जब बैंक में आपकी ट्रांजैक्शन होती है, जब आपके अकाउंट में कुछ पैसे होते हैं, कुछ हैकर होते हैं जो आपके अकाउंट को हैक कर लेते हैं और आपके पैसे भी निकलते रहते हैं और आप लोगों को पता भी नहीं चलता कि हमारे पैसे निकल रहे हैं, ऐसे ही है। तो ये इंक्रिप्शन आई थी भी हैकर से प्रोटेक्शन के लिए, ये चीज़ क्लियर हुई। उसके बाद इसकी बेटा सेकंड टाइप है इंक्रिप्शन बेटा। जीमेल आईडी किसी की बनी हुई है? अच्छा, जब आप अपनी जीमेल बेटा ओपन करते हो, उसमें सेल फोन पे करते हो, तो आप लोगों को ऑप्शन आ रही होगी, अगर आपकी जीमेल किसी और के अकाउंट में खुली हो तो आपको मैसेज आता है। आप जहाँ पे जीमेल होती है वहाँ पे नीचे लिखा आया था मैसेज ही है ना, एक बार सिग्नल शो कर रहा है। अगर व्हाट्सएप है आपका, आपके सेल फोन के अलावा किसी और ने आपका व्हाट्सएप बेटा स्कैन किया हुआ है, क्या किया
तो आप लोगों को पता चल सकता है कि आपका व्हाट्सएप कोई भी यूज कर रहा है? चलता है व्हाट्सएप भी बंद हो जाता है जब दूसरा होता है? नहीं चलता है जब देखिए लेकिन आपके सेल फोन पे नोटिफिकेशन आ जाती है कि इस टाइम आपका जो व्हाट्सएप है जब आप अपने व्हाट्सएप को स्कैन करते हो लैपटॉप पे तो वो आपके जो सेल फोन पे जो व्हाट्सएप होता है ना तो उस पे ऑप्शन आ जाती है कि आपका व्हाट्सएप इस टाइम पीसी पर होना है। ये जो ऑप्शन आ गया जब पीसी पता चल गया ना। हां जी तो उसी तरह जब आपके व्हाट्सएप को कोई स्कैन करता है ना तो आप लोगों को सेल फोन अपने सेल फोन पर पता चल जाता है कि आपका सेल फोन पे आपका व्हाट्सएप जो है आपके अलावा भी कोई और यूज कर रहा है। तो ये सारा काम हमें किसने बताया था? इंक्रिप्शन जिप ने नहीं इंक्रिप्शन इसकी आगे बेटा लास्ट इम्पोर्टेंस है इंक्रिप्शन प्रोटेक्ट डेटा डेटा क्लोज डिवाइस इंक्रिप्शन इस डेफिनेशन से क्या पता चलता है? ये बढ़िया है क्या करता है ये करता है आप चाहते हो कि आपका डाटा कोई और ना देखे या आपकी जो इमेजेस है कोई और ना देखे। अब कुछ लोगों के सेल फोन भी हैक हुए होते हैं। अब कुछ एप्लीकेशन ऐसी आ गई हुई हैं अगर आप अपने लैपटॉप पे काम कर रहे हो ना तो अगर आपका दोस्त भी आपके लैपटॉप पे काम कर रहा है तो एक ऐसी ऐप है वो ऐप का नाम मेरे जहन में नहीं काफी ज्यादा ऐप्स हैं। उससे ये होता है कि जब आप आपस में दो दो कोड शेयर कर लेते हो ना आप उसके लैपटॉप को एक्सेस कर सकते हो उसके लैपटॉप में क्या क्या पड़ा हुआ है और वो आपके लैपटॉप में एक्सेस कर सकते हैं कि आपके लैपटॉप में सर जी क्या क्या कोड में इतना उधर जाके यस करना पड़ता है फिर लैपटॉप को एक्सेस कर सकते हैं। तो वो जब दोनों की तरफ से होगा फिर ही अगर एक ही तरफ से होगा तो फिर भी होगा एक ही तरफ से होगा सर जी वो फिर हैकर होगा। ये सारी चीजें डाटा को प्रोटेक्ट के लिए इसके अंदर आती हैं इंक्रिप्शन के अंदर आती है किसके अंदर आती हैं वो वे हैकर से भी प्रोटेक्ट करते वो वे हैकर से भी प्रोटेक्शन दे रहा है हमारे डाटा को प्राइवेट भी रख रहा है ठीक है और हमारे डाटा को सिक्योर भी कर रहा है। और ये सब का सब काम किसकी वजह से हो रहा है बेटा सिंपल इंक्रिप्शन की वजह से हो रहा है। क्लियर है? ओके।